आजाद होना पड़ेगा। मेरी रिया का क्या, हमें तो पता भी नहीं कि वो कहाँ है, किस हाल में जी रही होगी। जवाब करते रहे तुझे, तूने खून नहीं किया। विक्की चला गया। रोहित ने हर रिश्ते को बड़ी ईमानदारी से निभाया है, चाहे वो मंशा हो या फिर सीमा के साथ कुछ दिनों का रिश्ता। मुझे पता है आप लोग मुझे ढूंढ लेंगे, मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। पता नहीं रिया कहाँ होगी, कैसी होगी, किन लोगों के साथ होगी, और फिर जब तक मंशा और रोहित नहीं आ जाते मैं कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहता जिससे कि। ठीक है तो फिर रोहित को आ जाना। हाँ यार आदित्य, रिया की बहुत याद आती है, मैं उसे जल्द से जल्द ढूंढ के माफी मांगना चाहता हूं। किशोर पुरानी बातों को भूल जाओ, आगे जो कुछ भी होगा सब अच्छा होगा। ऐसे भूल जाऊं आदित्य, मैंने उसका श्राद्ध किया है, उसके जीते जी मैंने उसका श्राद्ध किया है। पत्थर हो गया था मैं, भगवान ने मुझे मेरे गुनाहों की सजा दे दी है, मेरे बच्चे मुझसे दूर कर दिए। किशोर किशोर इस तरह की बातें करके अपने दिल को छोटा मत करो। देखो भगवान इतना बेरहम नहीं है जो तुम्हें तुम्हारे बच्चों से जुदा कर दे, और फिर तुम्हें तो अपनी गलती का एहसास है, हो गया अपनी गलती का एहसास, तुम देख लेना भगवान एक न एक दिन जरूर तुम्हें तुम्हारे बच्चों से मिलवा देगा। कैसे आप पापा? हम एक एक दिन पहाड़ की तरह बिताए हैं तुम लोगों के इंतजार में। कैसे हैं आप पापा? आदित्य अंकल ने जब रोहित को फोन पे बताया कि आपको दो दो हार्ट अटैक आए तो मैं तो बहुत घबरा गई। अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ है मुझे, और तुम आ गई हो तो अब बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। दिया, अरे मेरी बेटी, मेरी बेटी दिया, मुझे याद करती थी कि नहीं है? रोहित बेटा फोन कर देते तो हम तुम्हें लेने आ जाते ना। मुझे आदित्य अंकल ने कहा कि आप उन्हीं से पूछ लीजिए। आदित्य वो क्या है ना किशोर, कि मैंने सोचा कि अचानक मिलेंगे तो खुशी बहुत ज्यादा हो जाएगी ना। अचानक मिले या बताकर मिले से क्या फर्क पड़ता है? पर पापा मैंने तो सोचा था कि माँ, कविता भाभी और विजय भैया सभी आएंगे, मैं सबसे मिलूंगी, लेकिन हाँ हाँ बेटा वो सब तुम्हें याद करते हैं, और जब से आशा को पता चला है कि तुम लोग आने वाले हो तो वो तो भगवान से बस यही प्रार्थना करती है कि हम सब जल्द से जल्द एक साथ हो जाए, बस एक कमी रह जाएगी की कमी। नहीं पापा वो कमी भी बहुत जल्द पूरी हो जाएगी, हमें रिया का पता मिल गया है। रिया का पता मिल गया? जी। कैसे? विक्की ने दिया। विक्की ने तुम्हें रिया का पता दिया?
जी हाँ पापा, वो तो इस दुनिया से चल बसा, लेकिन जाने से पहले एक अच्छा काम करके अपने सारे गुनाहों का प्रायश्चित कर गया। दरअसल मैं और ब्रिगेडियर साहब, हम दोनों उसके पीछे पड़े थे रिया का पता ढूंढने के लिए, और उसी भागदौड़ में उसका एक्सीडेंट हो गया, एक कार के साथ वो टकरा गया और उसकी वहीं पे मौत हो गई। लेकिन मरने से पहले उसने मुझे रिया का पता बता दिया। हाँ, मुझे वो ये नहीं बता पाया कि इन सब के पीछे है कौन, लेकिन रिया का पता मुझे याद है। किशोर, एक मिनट आदित्य, हमारे पास पता है। हाँ अंकल, जुबानी है। किशोर, अब हमें देर नहीं करनी चाहिए, जल्दी यहाँ से निकलना चाहिए, और मेरे ख्याल से पुलिस को भी इन्फॉर्म कर देना चाहिए। पुलिस? रोहित बेटा, नहीं अंकल, मेरे ख्याल से हमें इतनी जल्दी पुलिस को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुझे ये बात तो विकी से पता चली है कि मैं बेकसूर हूँ, लेकिन हमारे पास इस बात का कोई कॉन्क्रीट प्रूफ नहीं है। और अगर प्रूफ हो तो भी मुझे खुद को ये नहीं पता है कि मैं बेकसूर कैसे हूँ। अंकल, मेरे ख्याल से हमारे पास जो एड्रेस है उस पर हमें खुद ही रिया को ढूंढने जाना चाहिए, मेरे ख्याल से। हाँ पापा, रोहित सही कह रहे हैं, हमें इस वक्त पुलिस को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो अभी बता देना, फिर मैं 2-3 घंटे के लिए बाहर जा रही हूँ। देख बहुत हो गया, अब खाना खा ले। मैं लास्ट टाइम पूछ रही हूँ तुझसे। अभी भूख नहीं है, मैं बाद में खा लूंगी। बाहर में जा, मेरा काम था पूछना, मैंने पूछ लिया। अरे पैसे मिल रहे हैं तो अच्छा काम तो करना ही चाहिए ना, आगे तेरी मर्जी। अरे ये मोबाइल की आवाज तो इनकी है, ये इस कमरे में कैसे, क्या छुपा रही है, क्या छुपा रही है? हाथ आगे कर, हाथ आगे कर। कुछ भी नहीं है। किसको फोन लगाया तूने? वो तो खैर मालूम पड़ ही जाएगा, पर पहले बता ये चुराया कब तूने? तू बोलती क्यों नहीं? हमारा जीना हराम करके भाग जाना चाहती थी साली कमीनी। गाली मत देना, गाली मत देना। वहां मेरी राजकुमारी, गाली नहीं देना तो क्या करेगी तू? आंखें भूना बंद कर, मुझे आंखें नोच लूंगी तेरी में। आके नीचे कर, नीचे कर कमीनी। मुझे मारती है तू? मेरे पे हाथ उठाए तूने? आने दे इनको आज, हाथ पैर तुड़वाती हूँ तेरे में। मेरे पर हाथ उठाती है, आने दे आज, बताती हूँ तेरे को मैं। हाथ उठाती है मेरे ऊपर, बताती हूँ तेरे को मैं आज अच्छी तरह से। पापा, रोहित का फोन आया? नहीं बेटा, उसी का वेट कर रहे हैं। उसने कहा था कि पहुंचते ही फोन करेगा वो मुझे, कभी भी फोन आ सकता है। पता नहीं पहुंच तो गया होगा ना वहाँ। दिया सो गई क्या? कहाँ पापा, कब से तो रो रही थी वो। रो रही थी, लेकिन उसकी तो आवाज नहीं आई। नहीं नहीं, आदित्य अंकल उसे ले गए ना पार्क में घुमाने। अच्छा अच्छा पापा। हाँ? माँ से बात करने की इच्छा हो रही थी। अरे अभी घर पे फोन करते हैं, वो भी तुमसे बात करके खुश होगी। हेलो आशा। हेलो, कैसे हो आप? और रोहित और मंशा वहाँ पहुँच गए? हाँ हाँ, सब लोग पहुँच गए हैं। और लो, तुम मंशा से बात करो। माँ। मंशा बेटा, तुम लोग ठीक से तो पहुँच गए ना? हाँ माँ, हम पहुँच गए हैं, आप फिक्र मत कीजिए। माँ, लेकिन आप क्यों नहीं आई? मुझे लगा था कि मैं आपसे मिलूंगी। और बेटा, आना तो मैं भी चाहती थी, पर अब जाने दे। तुम लोग अपना काम खत्म करके मेरी रिया को लेकर जल्दी से आ जाओ। हाँ माँ, हम लोग जल्दी आ रहे हैं। और हम रिया को भी लेकर आएंगे। माँ, हमें रिया का एड्रेस मिल चुका है। माँ, मुझे शायद सेकेंड कॉल आ रहा है, मैं फोन रखती हूँ। ठीक है, अपना ख्याल रखना। हाँ माँ। रोहित, अब ठीक है। हाँ हाँ, हम अभी पहुँचते हैं।
पापा। हाँ बेटा। रोहित का फोन था, वो कह रहे कि जो एड्रेस था वो सही है, हमें बस अभी निकलना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन पापा। हाँ? आदित्य अंकल तो नहीं आए हैं। कोई बात नहीं, हम वेट नहीं कर सकते, बाहर निकलते हुए उन्हें ले लेंगे। उठो चल। योरी, बहुत दिमाग चढ़ गया तेरा, तूने लता को थप्पड़ मारा। हाँ, थप्पड़ मारा मैंने उसे। अगर वो मुझे गाली देगी ना तो मैं उसे फिर से थप्पड़ मारूंगी। 2 मिनट लगेंगे, तुझे जवाब देने लायक भी नहीं रखूंगा। क्या करोगे, मारोगे मुझे? हाँ? मारोगे मुझे तो मारो। काश मैं तुझे मार सकता, मैंने तुझे जिंदा रखने के पैसे लिए हैं। और सुन, आइंदा लता के ऊपर हाथ मत उठाना वरना हाथ तोड़ कर रख दूंगा। चल अंदर। देखो बहुत हो गया। हाँ, अगर आगे से उसने मुझको हाथ लगाया ना तो मैं छोड़ूंगी नहीं उसको। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैंने उसको समझा दिया। और तू अपने ऊपर थोड़ा काबू रखा कर, कुछ भी बोल देती है। ए, तू उसे समझा कर आ रहा है या मेरे को समझा रहा है? समझा करो लता, हमें इस काम के बहुत पैसे मिल रहे हैं। तो क्या पैसे के लिए थप्पड़ खाऊं? आइए सर। सब ठीक है? सब ठीक है सर, मैंने कहा था ना सारे काम ओके होंगे। गुड, आप लोगों ने अच्छा काम किया है। लेकिन आज मैं आपको आपकी आखिरी रकम देने आया हूं। आखिरी मतलब? मतलब यह कि आज वो लड़की इस कैद खाने से रिहा हो जाएगी। हाय रिया, कैसी हो तुम? गेट आउट। अरे बाप रे, लगता है कि तुम्हारा मूड वाकई बहुत खराब है। मुझे गेट आउट बोल दिया, मुझे? खैर कोई बात नहीं, आज तुम्हें सब माफ। पता है क्यों? क्योंकि आज मेरे पास तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज है। हाँ रिया, गुड न्यूज, आज तुम इस कैद खाने से आजाद होने वाली हो। हाँ रिया, सच। और इन लोगों से, मैं जानता हूं तुम बहुत तंग आ चुकी हो इन लोगों से। और सच कहूं तो रिया, मैं भी काफी तंग आ गया हूं इन लोगों से, छुटकारा पाना चाहता हूं। लेकिन जो भी है, इन लोगों ने तुम्हारा ध्यान बहुत अच्छी तरह से रखा है ना, रखा ना तुम्हारा ध्यान अच्छी तरह से। तो रिया, तैयार हो आजाद होने के लिए? मैं कुछ पूछ रहा हूं, तैयार हो आजाद होने के लिए? मैं कुछ पूछ रहा हूं तुमसे। तुम्हें जो करना है करो, मुझे जहां रखना है वहां रखो, क्या फर्क पड़ता है? अगर मैं अपनों के बीच नहीं हूं तो मेरी जिंदगी के कोई मायने नहीं है। अरे वाह, तुम तो यहां बैठी बैठी डायलॉग मारने लगे हो। मौत, जिंदगी, क्या बात है? पर रिया, तुम्हारे लिए तुम्हारी जिंदगी कोई मायने नहीं रखती हो, पर तुम्हारे घर वालों के लिए रखती है। तुम्हारी जिंदगी उनकी जिंदगी और तुम्हारी मौत उनकी मौत, है ना रिया? सही कहा ना मैंने? हाँ। रोहित, एड्रेस तो यही था ना? हाँ, दरवाजा भी खुला है। संभाल के बेटा। हाँ? बेटा यहाँ तो कोई भी नहीं है। लेकिन ये जगह वही है ना रोहित? हाँ, जगह तो वही है। एक काम करते हैं, वहां चलकर देखते हैं। हाँ बेटा। पापा। हाँ? अब वहां देखिए। रोहित बेटा, उधर भी कोई नहीं। जा कहां सकते हैं वो लोग? मेरा तो बहुत दिल घबरा रहा है रोहित। पता नहीं, धीरज रखिए, रिया को कुछ नहीं होगा, रिया को कुछ नहीं हो सकता। अब हम क्या करें किशोर?
हम लोग तो जहां से शुरू हुए थे वहीं पर फिर पहुंच गए। वही करेंगे आदित्य जो हमें करना चाहिए। हम रिया को ढूंढेंगे, हमारी बच्ची हमें जरूर मिलेगी। हाँ पापा, रिया तो हमें जरूर मिलेगी, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जिस एड्रेस पर हम गए थे वहां हमें रिया मिली क्यों नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि विकी ने एड्रेस गलत बताया हो? नहीं अंकल, एक मरता हुआ आदमी कभी झूठ नहीं बोलेगा। एड्रेस तो यही है। यही है, बिल्कुल सही है ये एड्रेस। मैं पुनीत सूरी, याद आया? ऑफ कोर्स, आप लोग मुझे कैसे भूल सकते हैं? तुम जिंदा हो? या एब्सोल्युटली 100%। हम यहां पर रिया को ढूंढने आए हैं। रिया तुम्हारे पास है पुनीत। और कहां होगी? मेरे पास ही है। अरे आखिर पत्नी है वो मेरी, मेरी अर्धांगिनी है, मेरी उसकी तरफ कोई जिम्मेदारियां हैं, और आप सब तो जानते हैं कि मैं अपनी जिम्मेदारियों को कितनी ईमानदारी से निभाता हूं। क्यों ससुर जी, है ना? अगर तुम जिंदा हो तो तुम्हारे खून के इल्जाम में पुलिस रोहित को क्यों ढूंढ रही है? वैसे तो मैं जिंदा हूं, बट ऑन पेपर में मर चुका हूं। सारे पेपर्स, पुलिस रिकॉर्ड्स यही कहते हैं कि पुनीत इज डेड। समझे? नहीं समझे? मैं समझाता हूं आपको ससुर जी, मैं समझाता हूं। मंशा, याद है वो रात, वो हसीन रात? इतनी जल्दी कैसे छोड़ दूं तुम्हें? जब सिर्फ तुम थी और मैं था, और हाँ रोहित भी तो था। और वो गन भी थी जिससे रोहित ने मुझ पर गोली चलाई थी, याद आया रोहित? मुझे तो सब कुछ फर्स्ट क्लास याद है। मुझ पर गोली चलाने के बाद तुम दोनों भाग गए थे, लेकिन वो कहते हैं ना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। इसलिए ऐन वक्त पे मुझे वहां बचाने कोई आ गया। पुनीत, 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 पुनीत क्या हुआ? पुनीत, पुनीत, पुनीत उठ, पुनीत, पुनीत उठ, पुनीत, पुनीत। लगता है जिंदा, इसको डॉक्टर के पास लेके जाता हूँ। और फिर सही वक्त पर विकी ने मेरी जान बचाई।